के एंटू किसी का, और 18 में शायद, 18 या 17 में मुझे सही से मेरे जो जोन का कट ऑफ था वो था 62। आरआरबी टेक्नीशियन का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जैसा कि रेलवे ने नोटिस निकाला था पहले कि वो दे देंगे, वैसे ही अनाउंसमेंट आ चुकी है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बैकग्राउंड नॉइजेस के लिए आई एम रेडी सॉरी। घर में काम भी चल रहा है, ऊपर से थोड़ी हवा की भी आवाज़ आ रही होगी आपको। उधर ट्रैक्टर या जनरेटर पता नहीं क्या चल रहा है, उसकी भी आवाज़ आ रही है। एनीवेज, रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, आपने देखा होगा। रेलवे मैंने पिछली बार 2019 में जब फॉर्म आया था रेलवे के एनटीपीसी का, और 18 में शायद, 18 या 17 में मुझे सही से थोड़ा मेरे पास माइक भी नहीं है, थोड़ा सा नज़दीक आके बोलती हूँ। 2018 या 17 में जो है फॉर्म आया था आरआरबी जेई का, और फिर 19 में आरआरबी एनटीपीसी का ग्रुप डी का। तो मैंने जेई भी भरा था क्योंकि मैं बीटेक की हूँ, तो आई एम एलिजिबल फॉर इट। सो मैंने जेई भरा था, और जेई में मैं बस, मुझे प्रीलिम्स में 60 मार्क्स आए थे, और मेरे जो जोन का कट ऑफ था वो था 62। इनका हाथ नहीं दुखने वाला, तुम्हें जल्दी जल्दी बता देती हूँ। एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी का भी फॉर्म आया था, तब मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट रिज़ल्ट में मेरा नहीं हुआ था, रिवाइज्ड रिज़ल्ट आरआरबी ने जब दिया था तब मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो गया था। उसके व्लॉग्स, ये देखिए, ये भी व्लॉग्स आपने कुछ लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए। उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करी थी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया, जस्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरा पैर टूट गया था, तो मैं सीबीटी 2 नहीं दे पाई अच्छे से। एनीवेज, ये जो है इसको हमको बहाना नहीं मानना है, इसको इट्स नॉट एन एक्सक्यूज़, लेकिन हो गया था मेरे साथ। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, बट अभी मेरे हाथ में एक चीज़ है कि मैं फिर से अच्छे से प्रिपरेशन करूं आरआरबी एनटीपीसी एएलपी जेई। हाँ, ये तीन एग्ज़ाम को मैं जो है टारगेट करने वाली हूँ, अपना प्रिपरेशन प्रॉपर करने वाली हूँ। बीच में बहुत बड़ा इवेंट है मेरे लाइफ का, तो उसके साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट आई नो कि मेरा जो लेवल है प्रिपरेशन का थोड़ा बहुत आ चुका है इस लेवल पे कि मुझे ब्रश अप करनी है चीज़ें, और टेक्निकल चीज़ों, टेक्निकल जो ट्रेड का जो मुझे पढ़ना है, मेरा ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ट्रेड है, उसमें जो पढ़ना है वो भी मैं पढ़ना चालू कर दूँगी अच्छे से अभी से ही, ताकि अप्रैल में मेरी शादी है, तो अप्रैल में जो शादी है उससे मैं काफ़ी इफ़ेक्ट होने वाली हूँ। मेरा प्रिपरेशन, शादी की तैयारियाँ, इन सब में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होगा, और अप्रैल से पहले मार्च, अप्रैल
में ये 3 महीना मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँगी, भले ही मेरे जो इन लॉज हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं इस चीज़ में कि मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ, बट आई डोंट नो द सिचुएशन वहाँ पे जाके क्या होगा नहीं होगा. स्टिल आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू, लेट्स सी व्हाट हैपन्स. बट आज का दिन हम शुरू करते हैं. मैंने कल 2-3 दिन पहले से ही तैयारी करना चालू कर दिया था, व्लॉगिंग नहीं की थी, लेकिन मेनली अभी तक जो SSC का तैयारी है ना मैंने किया है उसमें जनरल अवेयरनेस ज़्यादा है. ठीक है, जनरल अवेयरनेस मुझे NTPC में हेल्प करेगा, बट ALP में और जूनियर इंजीनियर में जनरल अवेयरनेस का उतना वैल्यू नहीं है. टेक्निकल और जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, ये 4 चीज़ें मुझे अच्छे से करनी है. तो आज का सेशन, अभी फर्स्ट सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ जनरल साइंस से. लेट्स स्टार्ट. बहुत बकबक कर लिया. अभी मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई ना, मैंने एक क्लिप, लाइक 2 मिनट का क्लिप मैंने अभी रिकॉर्ड किया और वो भी टाइम लैप्स पे. सोचो कोई उसमें टाइम लैप्स में फास्ट हो जाता है और कोई साउंड रिकॉर्ड नहीं होता. एनीवेज मैंने अभी इतने साउंड में पढ़ाई करी है, घर में काम हो रहा है, प्लस उस वाले घर में शादी भी है, इतने साउंड में मैं पढ़ाई कर रही हूँ. यूनिट्स एंड मेजरमेंट मैंने कंप्लीट किया और अब मोशंस को स्टार्ट किया है, 2nd chapter ऑफ फिज़िक्स. तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन करा रहे हैं सर, तो वही किया है. मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद रूम में जाके पढ़ाई करूँगी. धूप बहुत ज़्यादा लग रही है. अभी मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कितना मतलब पढ़ा है. यूनिट एंड मेजरमेंट का मैंने क्लास करा, तो उसके सारे नोट्स बनाए, ठीक है, सारे नोट्स. और उसके बाद मैंने इतना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और उसके बाद मैंने मोशन चालू किया था थोड़ा सा ही, 2 न्यूमेरिकल और कुछ कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, अभी बहुत बेसिक चल रहा है, तो वही मैंने किया. अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम पढ़ें.
मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ मार्केट। ये है मेरी मम्मी पापा और मैंने ये क्लिप लिया था आते वक्त मार्केट से। और देखिए ना, मैंने पूरा बैग भर के शॉपिंग किया है आज। ये पूरा बैग हम लोगों ने भर के शॉपिंग किया है और शॉप से ही हम लोगों को ये बैग मिला, क्योंकि इतना सारा कपड़ा हो गया था तो वो जो शॉप वाले हैं उन्होंने हमें ये बैग दिया कॉम्प्लीमेंट्री। मैं मार्केट से शाम को ही आ गई थी, उसके बाद मैंने लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट किया और भी थोड़े से काम थे रिगार्डिंग माय मैरिज ओनली। वो सब कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ पढ़ने। मैंने लैपटॉप खोल लिया है, अब चलते हैं पढ़ाई करते हैं। सो फाइनली दो चैप्टर कंप्लीट हुए आज मेरे, फिजिक्स के यूनिट मेजरमेंट और मोशन। ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने चेक किया तो देखा कि आरआरबी टेक्नीशियन का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, जैसा कि रेलवे ने नोटिस निकाला था पहले कि वो दे देंगे, वैसे ही अनाउंसमेंट आ चुकी है और 9000 वैकेंसीज है उसमें। और ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऐसे करके दो पोस्ट्स हैं, तो मैं तो अप्लाई करने वाली हूँ। क्या आप भी करने वाले हो मुझे बताना। और अब है ना, मैं आज बहुत थक गई हूँ, अब दोनों चीज़ हैंडल करना है, पढ़ाई भी प्लस शादी की तैयारियाँ भी, दोनों चीज़ बहुत टफ होता है। एनीवेज अभी आज मैंने फिजिक्स कंप्लीट किया, अभी देखते हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लगाएंगे हम, ऐसे ही नहीं सोएंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, डिनर करके फिर सो जाएंगे। ये मैं सर का क्लास कर रही हूँ जिसमें सर ने एक लास्ट ईयर ALP RRB ALP की एक शिफ्ट का सारे मैथ्स क्वेश्चन करा रहे थे प्रैक्टिस, तो वही मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो डिनर करने के बाद, सारी पढ़ाइयाँ करने के बाद अभी आ गया है मेरे सेल्फ केयर के टाइम। सो आज मैं नाइट स्किन केयर कर रही हूँ, जिसमें कि क्योंकि आज हम लोग बाहर गए थे, काफ़ी सारा धूल पोल्यूशन ये सब स्किन में गया है और ऊपर से मैंने कुछ काजल वगैरह लगाया तो वो सब जो है अच्छे से धुल जाए, उसी लिए मैं कर रही हूँ अपना स्किन केयर।
स्किन केयर अच्छे से करने के बाद इट फील्स रियली गुड। अब मैं चली सोने। देखिए मैं अभी हो गई हूँ रेडी फॉर अ गुड नाइट स्लीप। टाटा।